इटली में 50वें G7 शिखर का सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के बड़े और दिग्गज नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरे कार्यकाल का कार्यभार संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के तहत वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इटली के दौरे पर जाने वाले हैं। इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले शीर्ष नेताओं में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी शामिल हैं, जिनका गर्मजोशी से इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने स्वागत भी किया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। भारतीय विदेश सचिव कहते हैं कि ये सम्मेलन ग्लोबल साउथ लेवल पर काफी ज्यादा अहम है। इस मंच के जरिए भारत को विश्व नेताओं के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। भारत के प्रधानमंत्री मोदी आउटरीच सत्र में शामिल होंगे। इस सम्मेलन के बाद सभी देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी वे कर सकते हैं। साथ ही ये भी पता चला है कि भारत इस बैठक के बाद स्विट्जरलैंड में होने वाले यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन में शामिल होगा। इसमें 90 देश के नेता एक मंच पर होंगे, लेकिन भारत की तरफ से कौन होगा अभी साफ नहीं। इस G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी भारत के द्वारा हाल ही में आयोजित G20 की अध्यक्षता के संदर्भ में खास रूप से अहम हो जाती है, जहां पर भारत ने कई विवादित मुद्दों पर वैश्विक सहमति बनाने में अगुआ की भूमिका निभाई थी। बता दें कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 11वीं भागीदारी होने वाली है और G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 5वीं भागीदारी होगी। 50वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन इटली के अपुलिया क्षेत्र में लग्जरी रिजॉर्ट बोर्गो इग्नाजिया में 13 से 15 जून तक होना है। भारत के अलावा अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और भारत प्रशांत क्षेत्र के 11 विकासशील देशों के नेताओं को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। इंडिया के अलावा ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, मिस्र, केन्या और सऊदी अरब, ट्यूनिशिया और संयुक्त राष्ट्र का नाम भी इसमें शामिल है। इसके अलावा G7 में 7 देशों का दरअसल एक ये समूह है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान इसका हिस्सा हैं। इसके सदस्य देश वर्तमान में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 45% और दुनिया का 10% से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे पहले 1997 और 2013 के बीच रूस को इसमें शामिल किए जाने से इसको G8 का रूप दिया गया था, विस्तार हुआ था, लेकिन क्रीमिया पर कब्जे के बाद 2014 में रूस की सदस्यता सस्पेंड कर दी गई थी। आइए अब ये जान लीजिए कि G7 का उद्देश्य क्या है, क्यों ये बना। G7 का शुरुआती फोकस आर्थिक मुद्दा रहा था। इसके बाद धीरे धीरे शांति, सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी काम, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन समेत प्रमुख वैश्विक चुनौतियों और मुद्दों पर समाधान खोजने और सर्वमान्य मत खोजने के लिए एक विचार का ये मंच तैयार किया गया। बता दें कि जब तीसरी बार पीएम मोदी की शपथ लेने के बाद मोदी पहले विदेश दौरे पर इटली जा रहे हैं, तब उनके रवाना होने से एक दिन पहले खालिस्तानियों ने इटली में महात्मा गांधी की उस मूर्ति को तोड़ दिया जिसका प्रधानमंत्री अनावरण करने वाले थे। इसे सुरक्षा में एक बड़ी चूक भी माना जा रहा है। हालांकि बाद में इटली सरकार के द्वारा कार्रवाई करते हुए प्रतिमा को ठीक करवा दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरे के दौरान महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण भी करने वाले थे। ये एक अहम अपडेट है। इधर 50वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन इटली पहुंच चुके हैं। उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ और माना जा रहा है कि पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हो सकती है। बता दें कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो बाइडन ने उन्हें फोन कर जीत की बधाई भी दी थी और हो सकता है कि इस G7 शिखर सम्मेलन में दोनों ही बड़े नेताओं के बीच कुछ मुलाकात भी हो। दूसरी तरफ बीते कुछ वक्त से भारत और कनाडा के बीच जो राजनयिक रिश्तों में तनाव देखा जा रहा है, तो ऐसे में इस बीच G7 का समिट जो हो रहा है इसमें भारत और कनाडा दोनों देशों के प्रधानमंत्री भी हिस्सा लेंगे, लेकिन दोनों की मुलाकात को लेकर कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। विदेश सचिव क्वात्रा ने प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के बारे में साफ तौर पर कुछ बताया नहीं है कि मुलाकात होगी नहीं होगी। उनका कहना था कि भारत विरोधी तत्वों को जिस तरह से कनाडा में राजनयिक स्थान मिलता है आज वो सबसे बड़ा मुद्दा है और ये भारत के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। तो मुलाकात होगी नहीं होगी अभी कुछ साफ नहीं है और कौन से मुद्दे उठेंगे। हालांकि G7 बैठक की बात करें तो इसमें यूक्रेन में युद्ध और गाजा संघर्ष का मुद्दा भी छाया रहने की संभावना है।
G7 विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान आते हैं। 1 जनवरी 2024 को इटली 7वीं बार G7 का अध्यक्ष बना है। 50वें G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में 2 सेशन होने हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु परिवर्तन और सप्लाई चेन जैसी कुछ नई और महत्वपूर्ण चुनौतियों का भी मुद्दा छाया रह सकता है। लेकिन भारत के लिहाज से समझा जाए तो G7 में का जो सम्मेलन है इसमें हिस्सा लेने के साथ ही पीएम मोदी अपने दौरे पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बैठक समेत कई द्विपक्षीय बैठकें भी करने वाले हैं। बता दें कि पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात हमेशा गर्मजोशी भरी रही है। जॉर्जिया मेलोनी उनके साथ सेल्फी भी ले चुकी हैं और वे जानती हैं कि दुनिया में पीएम मोदी का कद और भारत की ताकत कितनी है। तभी देश में नई सरकार बनने के साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी पीएम मोदी को चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए बधाई दी थी। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी धन्यवाद देते हुए लिखा था कि भारत और इटली के हितों और मूल्यों को लेकर दोनों देशों की साझेदारी के लिए हम संकल्पित हैं और आगे भी वैश्विक अच्छाई के लिए हम साथ काम करते रहेंगे।